हेलो एवरीवन, दिस इज स्वर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स मिरेकल। टुडे वी विल सी साइट वर्ड्स। सो व्हाट आर द साइट वर्ड्स? वी ऑलरेडी नो साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दोज वी अंडरस्टैंड बाय सीइंग इट। साइट मीन्स दृष्टि, या हम जब भी देखते हैं तभी पता चलता है कि ये साइट वर्ड है। सो व्हाई? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस और वी अंडरस्टैंड द साइट वर्ड्स बिकॉज द दोज साइट वर्ड्स कम्स फ्रिक्वेंटली इन द कॉन्टेंट। तो बहुत ज़्यादा बार टेक्स्ट में ये आ जाते हैं तो हम ईजिली उसे पहचान पाते हैं एंड दैट इज़ द साइट वर्ड। बट इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द साइट वर्ड देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द गिवन कॉन्टेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो द साइट वर्ड्स मीनिंग। सो लेट अस सी द साइट वर्ड His, his मतलब उसका, his उसका, his उसका। I am his brother, मैं उसका भाई हूँ। I am his brother, किसका? His, his मतलब उसका। Okay, second, I ate his tiffin because I was hungry. His tiffin, किसका tiffin? उसका tiffin। तो मैंने उसका tiffin खाया क्योंकि मैं बहुत भूखा था। His tiffin, उसका टिफिन। हिज टिफिन, उसका टिफिन। सो मैंने उसका टिफिन खाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखा था। ओके, थर्ड, राम इज़ गोइंग टू पिकनिक विथ हिज फ्रेंड्स। सो हियर वी सी द राम इज़ आल्सो द सब्जेक्ट और द नाउन एंड ही इज़ आल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ राम। सो वी सी दैट प्रोनाउन्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। सो नाउन इज़ राम एंड द प्रोनाउन हिज इज़ यूज्ड। So let us see, Ram is going to picnic with his friends. तो इससे हमें पता चलता है कि राम किसके साथ जा रहा है? उसके फ्रेंड्स के साथ। किसके? उसके, his मतलब उसके। Okay, next word we see that her, her मतलब उसका। So her is used for the female character. Okay, her उसका, her उसका। Give this notebook to her. ये notebook उसको दे दो। किसको? उसको। Okay. Next, is this her photo? क्या वो उसका photo है? Her photo, उसका photo. So her उसका। Then, is there water in the tank for her work? Her work. Okay. तो her means उसके काम के लिए। क्या उसके क्या टंकी में पानी है उसके काम के लिए? फॉर हर वर्क। इज देयर वाटर इन द टैंक फॉर हर वर्क? उसके काम के लिए कुछ पानी है क्या टंकी में? नेक्स्ट, हिम, हिम उसका। दिस वर्ड इज़ यूज फॉर द मेल कैरेक्टर। सो आर यू ओके? आस्क हिम। तो उसको पूछा। किसको? उसको, हिम उसको। क्या तुम ठीक हो? उसको पूछा। They are playing football with him. With him, किसके साथ? उसके साथ। तो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं उसके साथ। किसके साथ? him, him उसके साथ। He went to meet him, him उसके साथ या उसको। Okay, we went to meet him. तो हम उसको मिलने गए। To meet him, उसको मिलने। Next, कैन, कैन मतलब कर सकता हूँ या कर सकते हूँ। एंड दिस इज़ द मॉडल ऑक्सिलरी विच इज़ यूज टू आस्क द परमिशन। यस, कैन यू सी माई कैप? कैन यू सी माई कैप? हियर शुड बी सी, द बाय मिस्टेक एन लेटर इज एडेड देयर। सो कैन यू सी माई कैप? क्या तुम मेरी कैप देख सकते हो? सेकेंड, कैन आई यूज़ योर क्रेयॉन्स? क्या मैं तुम्हारे क्रेयॉन्स यूज़ कर सकता हूँ? कैन, कर सकता हूँ। नेक्स्ट, कैन आई हेल्प यू टू क्लीन द रूम? क्या मैं तुम्हें रूम क्लीन करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ? तो कैन, कर सकता हूँ। ओके, इट्स आस्किंग द परमिशन। नेक्स्ट, कुड, कुड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन। यस, ओके, कुड मतलब कर सकता था।
ओके इट इज़ द पास्ट. शी कुड कुक्ड फूड, वो खाना पका सकती थी. He could do that work, वो ये काम कर सकता था. He could do that work, could कर सकता था. He could not do this homework, He could not do this homework, क्या वो उसने ये homework नहीं कर पाया. Could not, नहीं कर पाया. So we understand these words, those are the sight words and those are used every day, and if we know its meaning, it is very easy to use them in the conversation, in the speaking. So I hope that you understand the sight words, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.